ये दुबई का नंबर है इनकी, जो उनके द्वारा बताया गया कि इनकी जो साली हैं वो दुबई में रहती हैं, ये दुबई गए हुए थे और वहीं से ये सिम ले आए थे, संभवतः ही उन्हीं के द्वारा रजिस्टर्ड नंबर है, ये भी अनुसंधान का विषय है, ये ले आए थे और उसी पर नंबर चला रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप ही न्यूज़ फॉर नेशन पर। पप्पू यादव को पिछले दिनों लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुड़गुओं की तरफ से फोन किया गया था और उनको धमकी दी गई थी कि तुम जहां हो और जिस हालत में हो वहीं तुमको उड़ा देंगे। दरअसल कुछ दिन पहले पप्पू यादव ने जो है बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद जो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर के एक बयान दिया था और उस बयान के बाद जो है उनको ये धमकी मिली थी। धमकी में ये तक कहा गया था कि उनके घर का, चाहे वो पूर्णिया का हो, पटना का हो या फिर दिल्ली वाला हो, सबका जो है एक तरीके से कहें कि रिक्की कर ली गई है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद पप्पू यादव ने सुरक्षा की मांग की थी, तो इस मामले के सामने आने के बाद से उनकी पत्नी, जिनसे उन्होंने लव मैरिज शादी की थी, उन्होंने एक तरीके से कहें कि पल्ला झाड़ लिया था। कहा था कि ये उनका व्यक्तिगत मामला है, दोनों साथ नहीं रह रहे हैं लंबे वक्त से, और ये भी कहा था रंजीता रंजन ने कि उनके इस बयान से उनका या उनके बच्चों का कोई लेना देना नहीं है और हम लोगों के बीच में कई बातों को लेकर के मतभेद या मनभेद रहता है। इन तमाम खबरों के बीच में पप्पू यादव लगातार बोलते रहे, बिहार में सरकार से सुरक्षा की बढ़ाए जाने की मांग करते रहे, तो दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर एक बड़ी कार्रवाई हो गई है। कार्रवाई ये हुई है कि पप्पू यादव को जिस व्यक्ति ने धमकी दी उसको पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद जो है ढूंढ निकाला और वो शख्स जो है दिल्ली से पकड़ा गया है। उसको लेकर के पूर्णिया पुलिस पूर्णिया पहुंची है। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद से एक तरीके से कहें कि बड़े खुलासे हुए हैं, लेकिन इस खुलासा में एक महत्वपूर्ण कड़ी ये है कि इस पूरे मामले में साली वाला कनेक्शन जो है जुड़ गया है। दरअसल हुआ यूँ कि अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताने वाला जो गुड़गा है वो पप्पू यादव को फ़ोन करता है, व्हाट्सअप कॉल करता है। उस दौरान फ़ोन करता है जब पप्पू यादव झारखंड में चुनाव प्रचार कर रहे होते हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि तुम जिस मंच पे बैठे हो, तुम्हारे बगल में कौन कौन बैठा है, तुमने लाल रंग की टी शर्ट पहन रखी है और तुमको अभी यहीं से ठोक सकते हैं, यानी कि उड़ा देंगे, इस तरह की बातें कहेंगी। इन तमाम चीज़ों के बाद, क्योंकि लगातार पप्पू यादव जो है बिहार की सरकार पर हमलावर थे, सुरक्षा नहीं दी जाने की मांग को लेकर के सवाल खड़े कर रहे थे और अब तो लॉरेंस बिश्नोई को भी चुनौती दे रहे थे, कह रहे थे कि वो उनसे डरते नहीं हैं, जो करना है वो कर लें। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद लॉरेंस बिश्नोई का गैंग का खुद को सदस्य बताने वाला जो है गुंडा है मयंक है, उसको दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। उसने जो खुलासे किए हैं वो चौंकाने वाले हैं। दरअसल पप्पू यादव को धमकी का साली वाला कनेक्शन इस पूरे वीडियो में सामने आएगा जो आपको सुनवाएंगे आगे। दुबई के सिम से बिहार के बाहुबली सांसद को कपकपान जो है कपकपा दिया था, किस तरह से डराया था, धमकी दी थी, ये सब कुछ रिवेल करेंगे। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि पप्पू यादव को जो है कुछ दिन पहले धमकी आई थी, धमकी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य की तरफ से दी गई थी, ऐसा कहा गया था। अलग अलग नंबरों से फ़ोन आ रहे थे। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पे पूर्णिया के पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा ने खुलासा कर दिया है। पूर्णिया के हार थाने में इस पूरे मामले को लेकर के मामला दर्ज हुआ था। इसी मामले की तफ्तीश शुरू हुई तो कड़ियाँ जुड़ती चली गई। दिल्ली से महेश पांडे नाम के एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। पकड़े गए शख्स ने कहा है कि जिस मोबाइल और सिम का प्रयोग किया गया था उसे भी जब्त कर लिया गया है। पूर्णिया के SP ने बताया है कि महेश पांडे का किसी भी गिरोह से कुछ भी लेना देना नहीं है, पहले भी वो बड़े नेताओं के यहाँ काम कर चुका है और जब इस बात की जानकारी मीडिया के माध्यम से महेश को मिली, फिर उसने UAE में रहने वाली अपनी साली की सिम का इस्तेमाल करके पूरा प्लान रचा। पूर्णिया SP ने बताया कि इस मामले में जल्दी और भी महत्वपूर्ण खुलासे होने वाले हैं। क्या कुछ कह रहे हैं पूर्णिया के SP, पहले सुनवाते हैं। आ रहा था कि जो पूर्णिया के सांसद हैं माननीय श्री पप्पू यादव जी को धमकियां मिल रही हैं व्हाट्सएप के द्वारा और अन्य माध्यमों से, तो इसी में जो सूचना इकट्ठा हुई उसमें माननीय सांसद के द्वारा भी एक नंबर बताया गया जिस पे उनको कॉल आया था। ये नंबर दुबई का था, UAE का रजिस्टर्ड नंबर था, जिसमें जो 971 का कंट्री कोड है 5013387766। इस नंबर से उनको सबसे पहले धमकी आया था और अन्य भी कई नंबरों से उनको लगातार धमकी मिल रही थी। इस संबंध में जानकारी प्राप्त होते ही एक कांड दर्ज किया गया है, इसमें अनुसंधान शुरू किया गया था और आज श्री पप्पू यादव जी का आज आवेदन भी प्राप्त हुआ इसको लेकर। इसमें अनुसंधान चल रहा था, इसमें जानकारी पता चली कि इस मोबाइल में जो इस्तेमाल सिम था इसके थ्रू उनसे धमकी दी गई थी, जो सिम और मोबाइल रिकवर कर लिया गया है। जो व्यक्ति थे ये दिल्ली के रहने वाले महेश पांडे, पिता कृष्ण कुमार पांडे, सेक्टर 4 नई दिल्ली के रहने वाले हैं।
ये पूर्व में भी दिल्ली में कई जगह काम कर चुके हैं और कई माननीय लोगों से भी इनके साथ संबंध रहे हैं इनके, कईयों के लिए काम भी किए हैं, साथ ही एम्स और सेना के कैंटीन में भी ये काम कर चुके हैं जो इनके द्वारा बताया गया है। प्रारंभिक जांच में अभी यही आया है और इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी हम लोग रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, बाकी रिमांड पे लेने के बाद अन्य पूछताछ की जाएगी। गिरफ्तारी कहाँ से? दिल्ली से की गई गिरफ्तारी। कोई गैंग में शामिल है सर ये? इनके द्वारा जो अभी तक आया है उसमें गैंग का कहीं से कोई नहीं आया है। इनके द्वारा बताया गया है कि ये जो न्यूज़ में इनका स्टेटमेंट देखे थे माननीय सांसद जी का, उसके बाद इनको लगा कि क्योंकि कुछ दिन से अभी कुछ काम नहीं कर रहे थे तो इनको लगा कि इसमें किया जा सकता है। इनके भी संबंध कई लोगों से रहे हैं, माननीय सांसद के भी कुछ लोगों के साथ इनके कॉन्टैक्ट रहे हैं इसमें पूर्व में भी, तो अन्य जितने भी एंगल है उस पर हम लोग लिखवा रहे हैं। इसमें फिलहाल मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कई नंबरों से धमकी दी गई थी। जो पहला धमकी आया था जिसमें फ़ोटो भी शेयर किया गया था वो इसी नंबर से किया गया था, इन्हीं के द्वारा किया गया था, इसमें गिरफ्तारी हो गई है। अन्य मामलों में अभी अनुसंधान चल रहा है। ये तो दुबई का सर नंबर है? ये दुबई का नंबर है इनकी, जो उनके द्वारा बताया गया कि इनकी जो साली हैं वो दुबई में रहती हैं, ये दुबई गए हुए थे और वहीं से ये सिम ले आए थे, संभवतः ही उन्हीं के द्वारा रजिस्टर्ड नंबर है। ये भी अनुसंधान का विषय है, ये ले आए थे और उसी पर नंबर चला रहे हैं। ये तो कोई लॉरेंस बिश्नोई वगैरह कोई ऐसा कुछ नहीं? अभी तक कोई ऐसा एंगल नहीं आया जिसमें इनका जुड़ाव उस तरह से रहा। डीपी लॉरेंस बिश्नोई का लगा था? नहीं नहीं, ये डीपी नहीं लगाया था, ये उनको फोटो भेजे थे, ये व्हाट्सएप पे पहले उनको मैसेज किए, उसके बाद जब कॉल के द्वारा नहीं उठाया गया तो ये मैसेज किए थे और फिर जब बात हुई तो धमकी दिया गया था। कितने लोग गिरफ्तार हुए? एक व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। मैं अभी फिर से कह दूँ कि अभी और लोग हैं, और नंबर से भी कॉल आया था जिसकी भी जाँच चल रही है। क्या नाम है सर इसका? महेश पांडे। दिल्ली नहीं, दिल्ली के रहने वाले हैं ये। अभी हम लोग निकलवा रहे हैं इनका कहाँ कहाँ और ठिकाना रहा है इसमें, लेकिन ये कई जगह काम कर चुके हैं। जो अभी तक ये बताए हैं उसकी सत्यापन अभी तक नहीं की गई है, लेकिन बताया गया है कि कुछ एमपी के साथ भी काम कर चुके हैं ये पूर्व में, साथ ही एम्स में भी शुरुआत में काम किए हैं और रक्षा मंत्रालय के जो कैंटीन है उसमें भी काम किए। इनके साथ कॉन्टैक्ट जो है उनके कुछ सहायक लोगों का पाया गया है उसमें, लेकिन उसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, वो जांच का विषय। इनके द्वारा बताया गया है केवल इनके बताए गए हिसाब से है, अभी तक इसकी कन्फर्मेशन नहीं है। कोई आपराधिक इतिहास अभी तक बना नहीं? सुना आपने, ये पूरा मामला जो है पप्पू यादव से जुड़ा हुआ है। तो सर, लॉरेंस बिश्नोई अचानक से फिर से सुर्खियों में, हालांकि सुर्खियों में तो हमेशा से रहते हैं। पहले सलमान खान को जो है कि बिश्नोई समाज से आते हैं, माफ़ी मांगने की बात कर रहे हैं, जेल के अंदर बंद है फिलहाल, लेकिन वहाँ से भी उनके वीडियोज़ जो है वो सामने आते रहे हैं, या उनका जो गैंग है जो नेटवर्क है वो ऑपरेट होता रहता है। उन्होंने सलमान खान को मारने की धमकी दी, सलमान खान के करीबी जो है बाबा सिद्दीकी, उनकी हत्या कर दी गई मुंबई के अंदर सरेराह। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद से पप्पू यादव का एक बयान सामने आता है जिसमें वो लॉरेंस बिश्नोई को टुच्चा कहते हैं और कहते हैं कि अगर उनको मौका मिले तो कुछ घंटों में ही जो है इस पूरे गैंग का खात्मा कर देंगे। इस तरह के बयान के बाद जो है पप्पू यादव के फ़ोन पर कुछ कॉल्स आए जो कि अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य बता रहे थे। इसी पूरे मामले में पूरी गिरफ्तारी हुई है। पूर्णिया के एसपी का ये कहना है कि आने वाले वक्त में कुछ और महत्वपूर्ण खुलासे होंगे। अब साली वाला कनेक्शन, क्योंकि अभी तो उसने बयान में कहा है, उसके सिम की तफ्तीश की जा रही है, अगर सब कुछ पुलिस के हिसाब से होता है तो आने वाले वक्त में खुलासे और होंगे और फिर साली वाला कनेक्शन भी पूरी तरीके से खुल के सामने आएगा, तभी साफ हो पाएगा कि ये शख्स क्या जो खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बता रहा है वो सच में उस गैंग का है भी या नहीं। फिलहाल इतना ही, देखिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।